सो गाइस, सबसे पहले मैंने दो आलू लिए हैं, ऑलरेडी बैटर मैंने रेडी कर लिया था, तो इस आलू को हम ग्रेट करेंगे। एंड बैटर में मैंने धनिया, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है ऑलरेडी नमक के साथ, और बेसन और पानी, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। एंड ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो पानी में हाथ गीला करके मैं थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ऐसे तेल में डाल रही हूँ। तेल ऑलरेडी गर्म है और उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है जिससे कि फुलावट अच्छे से आए। तो इस तरीके से आपको थोड़ी मीडियम आँच पर इस तरीके से पहले डालना है, और उसके बाद जब हल्का सा कलर तो हम इसे सिम कर देंगे जिससे पकौड़े अच्छी तरीके से सिक जाएं। आप इसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, प्याज, हरी मिर्च, जो भी आपको पसंद है। साइड में हम कढ़ी बनाएंगे, तड़का बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी छाछ में सिर्फ बेसन डाला है, और अभी हम ऑयल डाल के इसमें थोड़ी सी मेथी डाल रहे हैं। मेथी इज द ब्यूटी ऑफ कढ़ी, ये बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद जब हल्की सी इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा और इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालना इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कड़ी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। एंड ये थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हांस करता है आपकी कड़ी का, सो वो भी हम डालेंगे हल्का सा। जैसे ही हमारी मेथी ब्राउन हुई, इसको जलाना नहीं है, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है ऑलरेडी, वो डालेंगे और उसे एक हल्का सा मिक्स देंगे। और उसके बाद मैंने प्याज ऑलरेडी काट के रखी हुई है, तो ज़्यादा हम यहाँ पे भूनेंगे नहीं इसको, अदरक लहसुन को, क्योंकि हमने कूटा है तो ये जल जाएगा। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, मैंने लगभग डेढ़ प्याज डाली है। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें हल्दी, सौंफ और धनिया पिसा हुआ ऑलरेडी डाल दिया है, और उसके बाद मैं बहुत कम मिर्ची अभी डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे रूरू के लिए इसमें से निकालनी है। बाद में मैं इसमें मिर्ची का तड़का लगाऊंगी, तो बहुत हल्की सी मिर्ची डाल दी है मैंने जैसे कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए बस। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चला के इसमें अपना जो बैटर हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। तो मैंने लगभग एक सवा घंटा इसको पका लिया सिम आँच पे, और उसके बाद अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो गई है। और बाद में मैंने डाल दिया है इसमें जो भी हमने पकौड़े बनाए थे सारे के सारे। थोड़ी देर बस हम इसमें एक उबाल लगाएंगे पकौड़े डाल के, ज़्यादा देर नहीं चलाना है हमें इसे। साइड में तड़का बना रही हूँ, घी डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा जीरा डाला है, और इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे जैसे जीरा आपका क्रैकल हो जाए। लाल मिर्च के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल दी है जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा रेड कलर। तो इस तरीके से आप बाद में रेडी कर सकते हो, ये मैं पहले भी कर सकती थी बट मैंने रूरू की वजह से नहीं डाला था। एंड दैट्स इट, दैट्स द कड़ी। और ये वाली आप ट्राई कर सकते हो, पकौड़े वाली। वैसे इतनी हेल्दी तो होती नहीं है बट कभी कभी सर्दियों में मन करता है तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। एंड उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। एंड या दैट्स इट फॉर द रेसिपी। आप मुझे कॉमेंट से बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब जरा वीडियो बना लेते हैं, और नाश्ता हो गया है हमारा, खाना भी बन गया है, सो चलो तैयार होते हैं। तो चलो जरा तैयार हो जाते हैं। वैसे एक बहुत आसान सी ट्रिक है तैयार होने की, अपनी जैकेट लो, ऐसे करो। सो ऑल रेडी। एंड आज का आउटफिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, येलो एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट किया है। ये वाला लुक मैं जल्दी आपके लिए वेडिंग लुक में लेकर आने वाली हूँ फ्रॉम अमेजोन। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी ज्वेलरी हॉल फ्रॉम अमेजोन। मैं कुछ वेडिंग वेयर प्रीमियम ज्वेलरी आपके लिए लेकर आई हूँ। दीज आर नॉट वेरी इनएक्सपेंसिव, लेकिन इनकी क्वालिटी और इनके डिजाइन आर अमेजिंग, आपको प्यार हो जाएगा देखते ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट विद द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज दिस ब्यूटिफुल पर्पल चोकर। और ये मैंने क्यों मंगाया है इज टू मैच विद दिस दुपट्टा। सबसे पहले मैंने ये दुपट्टा ऑर्डर किया, फिर इससे मैचिंग मैंने एक येलो कुर्ती क्रीप में ऑर्डर की। दिस इज वेरी अफोर्डेबल कुर्ती, मैं लिंक आपको आने वाली वीडियोज में दूंगी इस कुर्ती का एक्चुअली। बट ये जो ज्वेलरी है ये मैंने इससे मैचिंग ऑर्डर की, एंड इट वेंट आउट सो ब्यूटिफुल विद दिस। मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी प्यारी लगेगी, बट बहुत खूबसूरत लग रही है। द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। इसमें जो इयरिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, अभी मैं आपको सिनेमैटिक या फिर क्लोजअप पार्ट में दिखा दूंगी। एंड दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड आई जूल्स। इनकी मैंने ज्वेलरी पहले भी ट्राई की है, आई एब्सोल्यूटली लव देयर डिज़ाइंस, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। एंड दे हैव सम अमेजिंग डिफरेंट डिज़ाइंस दैट यू कैन ट्राई। एंड इसमें जो पर्पल वर्क है ना यहाँ पर, दिस आई एब्सोल्यूटली लव दिस वन, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत इन्हांस कर देता है इस पूरे के पूरे नेकलेस को। इसमें जो पर्पल बीड्स दिए गए हैं, आई थिंक इसमें 3-4 कलर्स अवेलेबल हैं। इस नेकलेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई थिंक एक दो कलर्स और हैं, उनको भी मैं ऐड कर दूँगी लिंक में ही। ओके, सो देर आर रेगुलर सेल्स ऑन अमेजोन, तो अभी आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, गो चेक इट आउट। ऑल्सो गाइज, दूसरी चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक कड़े का वीडियो बनाने वाली हूँ। लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। आई हैव दीज वेडिंग वेयर बैंगल, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा इनोवेटिव सा वीडियो बनाया जाए अलग सा, कि वॉट यू कैन एक्चुअली वेयर एंड बाय फ्रॉम वेबसाइट, जो कि आप मतलब आराम से पहन सको, किसी भी
आउटफिट के साथ एंड कलर्स का कोई इशू ना हो, तो ऐसे कड़े और प्रीमियम बैंगल्स जो होती हैं उसका हम हॉल कर सकते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू गाइस वांट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज अगेन अ नेकलेस. सो क्योंकि मैंने आईजूल से तीन चार चीज़ें ऑर्डर की तो बड़े से बॉक्स में तीनों चीज़ें आ गई थी. एंड अगर मैं इसकी हैवीनेस की बात करूँ, दिस ये देखने में आपको काफ़ी हैवी लगेगा. कुंदन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है. आपको पहनने में काफ़ी लाइट फील होगा. मतलब ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हवा जैसा है लेकिन हाँ इतना हैवी नहीं है जितना देखने में आपको लग रहा है. एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, नीचे से मुझे बिल्कुल चुभ भी नहीं रहा है. तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो. एंड इसके साथ जो इयरिंग्स आए हैं बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत भरा भरा है तो छोटे इयरिंग्स गोल्ड वाले अच्छे लग रहे हैं. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेकलेस जो मैंने थोड़ा सा सिल्वर कुंदन और पर्ल में ऑर्डर किया है बिकॉज बहुत सारे आउटफिट होते हैं जिनपे कुछ इस तरीके की ज्वेलरी काफ़ी खूबसूरत लगती है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल नेकलेस, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये पहनने के बाद. कुछ स्पेसिफिक आउटफिट्स या फिर साड़ीज होती हैं जिनपे इसी तरीके की जो कुंदन ज्वेलरी होती है जो थोड़े वाइट टच में होती है बहुत खूबसूरत लगती है. एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम द सेम ब्रांड आई जूल्स और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. इसमें जो नीचे डिज़ाइन भी दिया गया है बहुत अच्छे से मोती लगाए गए हैं, बिल्कुल नहीं निकलेगा. मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है. एंड या मतलब मैं इसकी क्वालिटी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. लुक्स वाइज क्वालिटी वाइज बहुत प्यारा है. आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिफरेंट नेकलेस चाहिए तो. इट कम्स विद दीज इयरिंग्स जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत से हैं. इसमें इनका गोल्डन सेट भी आता है जो कि मेरे पास है आई थिंक. तो वो वाला अगर आप चाहें गोल्ड और कुंदन लेना तो वो वाला ले सकते हैं, बट मुझे सिल्वर वाला काफ़ी पसंद आया. इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक डिज़ाइन. मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत कम लोग पहनते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगने वाला है. तो ये है इनका खूबसूरत सा मांग टीका, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे ये मांग टीका बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद. आप इसे बहुत सारे आउटफिट्स पे पहन सकते हैं विद डिफरेंट ज्वेलरी. ये बहुत अच्छा सा यू नो बड़ा सा गोल वाला जो भरे भरे जो होते हैं वैसा है. तो इस तरीके के मांग टीके आजकल ट्रेंड में हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो बाकी ज्वेलरी दिखाने से पहले मैं आपको आई जूल्स की कंप्लीट ज्वेलरी दिखा देती हूँ. लास्ट मैंने एक इयरिंग का सेट ऑर्डर किया है. अगेन क्वालिटी इज़ अमेजिंग, इट्स अनबीटेबल आई थिंक इतने प्राइस में. एंड इसमें रेड और कुंदन का कॉम्बिनेशन है विद सम ड्रॉप पर्ल्स एट द एंड. और ये बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी रेड साड़ी वगैरह के साथ, आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं. फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो वर्क दिया गया है, आप देखने में बहुत डेलिकेट और क्लीन लगता है. तो इस तरीके की ज्वेलरी काफ़ी अच्छा लुक देती है विद डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स. एंड आप देख सकते हैं इसकी कुंदन कितनी प्यारी लग रही है सेंटर में, तो बहुत सुंदर और खूबसूरत सा काम दिया गया है. तो इस तरीके की ज्वेलरी आपके बहुत सारे आउटफिट्स पर चलती है. तो ये वाले इयरिंग्स अगर आपको कुछ हैवी चाहिए गले में नहीं पहनना तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, दिस आर स्टेटमेंट इयरिंग्स. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड प्योरा. प्योरा की मेरे पास बहुत ज्वेलरी है. दिस इज लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड इनकी जो इयरिंग्स आते हैं, स्पेशली मेरे पास पहले भी इनके इयरिंग्स थे. सो मैंने जो इयरिंग्स ऑर्डर किए हैं आर दीज. तो मैंने ये ब्लू कलर में बहुत ही प्यारे से इयरिंग्स ऑर्डर किए हैं. अगर आप देख सकते हैं इसका पिंक भी है मेरे पास, पिंक और ग्रीन मैंने मीशो से ऑर्डर किया था बट ये वाले मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए. एंड दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. आप इनका नीचे का झुमके का वर्क देखो कितना ज़्यादा प्यारा है. इट हैज़ दिस ब्लू डेफिनेशन और नीचे इसमें छोटे छोटे यहाँ पर राइनस्टोन्स लगाए गए हैं. ऊपर वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है विद पर्ल्स और ये ऊपर इसमें मीनाकारी है थोड़ी थोड़ी. तो ये पहनने के बाद ना इंस्टेंटली आपके लुक को जाजब कर देते हैं. दे लुक्स वेरी रीगल एंड क्लासी ऑन यू. तो आपको कुछ भी अगर क्लासी सा रीगल सा कुछ ऐसा यू नो पहनना है तो आप इनके साथ जा सकते हैं. स्पेशली जिनमें पर्ल का ऐसा काम होता है धागे में, वो थोड़ी सी रॉयल ज्वेलरी लगती ही है. तो ये वाले मेरे फेवरेट हैं. आप इन्हें बहुत सारे फंक्शंस में पहन सकते हो, इवन वेडिंग में भी पहन सकते हो. अगर आपकी बहन की शादी है या भाई की शादी है फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो यू कैन वेयर दीज. एंड दीज आर ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर योर हल्दी और मे बी मेहंदी फंक्शन. तो आप इन्हें पेयर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत इयरिंग्स हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द हैवीनेस, तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है. देखने में बड़े हैं लेकिन लाइट वेट हैं, पहनने में कंफर्टेबल रहेंगे. बस इनमें एक थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जब आप ऐसे मूव करें ऐसे ऐसे डांस करें तो आपके मुंह पे लग सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन से बचें इन्हें पहन के. तो हमारे पास एक और ज्वेलरी है प्योरा से. अगेन मैंने इयरिंग्स ही ऑर्डर किए हैं. And again, these are very pretty earrings. ये वाले earrings आप मेरी बहुत सारी videos में देखोगे क्योंकि these are perfectly my taste. Look at the beauty. मतलब कितने delicate, कितने सुंदर, मतलब बहुत ही classy looking and sturdy earrings हैं. ऊपर green में कुंदन है और नीचे पूरे में कुंदन का काम दिया गया है. कुछ भी झोल नहीं है इनमें, इधर उधर का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक मोती एक्स्ट्रा नहीं है. एंड लुक हाउ क्लासी एंड अमेजिंग दे लुक्स. मतलब बहुत ही प्यारे इयरिंग्स हैं. मुझे लगता है कि मुझे अब तक मेरे पास जितने इयरिंग्स हैं उनमें से मेरे बेस्ट इयरिंग्स हैं. क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, अमेजिंग, लाइट वेट हैं और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. परफेक्ट फॉर योर मेहंदी और किसी भी फंक्शन में आप इन्हें पहन सकती हैं. बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, हैवी एंड लाइट वेट. तो ये वाले इयरिंग्स आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. आप किसी भी साड़ी, किसी भी सूट, किसी भी चीज़ पे इनको पहन सकते हो. दे हैव जीरो बाउंडेशंस. सो वी हैव दिस रियली क्यूट नेकलेस फ्रॉम जवेरी पर्ल्स. मैंने एक ग्रीन नेकलेस ऑर्डर किया है विद सम कुंदन एंड पर्ल्स.
तो ये जवेरी पर्ल से नेकलेस है ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक में है। मतलब मुझे बहुत पसंद है ये नेकलेस, ये बिल्कुल आपको चोकर वाली ऐसे लुक देगा। नीचे इसमें मोती लगाए गए हैं इस तरीके के, बहुत पास पास विद सम ग्रीन एंड कुंदन वर्क, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा देखने में, सो आई ऑर्डर्ड दिस। ये भी आपके बहुत सारे आउटफिट्स पे वेडिंग में काम करेगा, ये भी बिल्कुल भी कलर बायस नहीं है, किसी भी कलर के आउटफिट पे आप इसे पहन सकते हो। एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अमेजिंग है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत आसानी से मुड़ जाता है, तो ईजिली आप इसे चोकर की तरह पहन पाएंगे। तो इसमें मांग टीका भी आया, विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, बिकॉज मुझे इस तरीके के मांग टीका पसंद नहीं है, बट आई रियली लाइक दीज ईयरिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं। ग्रीन और नीचे झुमके वाली फीलिंग आती है इनमें, तो काफ़ी सूट्स और किसी भी चीज़ पे चल जाएंगे। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्टर्डी दिए गए हैं। सो गाइज़, ये था आज का कलेक्शन, आई होप कि आपको ये वाली ज्वेलरी पसंद आई हो। इनमें से कुछ भी आपको हेल्पफुल लगता है तो आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। मैंने एक वीडियो डाला था वेर आई वॉज लिटल इमोशनल, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस किए, बहुत सारे कॉमेंट्स आए, थैंक यू सो मच, बाय।